अच्छे रहे ना, मैं कह रहा हूँ भैया। Ma'am, you're man. We all up here. Please come. Excuse me. छापते रहो ना। Center.
बहुत मेरी बहुत अच्छी और बहुत करीबी दोस्त का रेस्टोरेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने जो सोचा वो पूरा कर पाई। बहुत कम ऐसा होता है कि एक महिला आपको रेस्टोरेंट के बिजनेस में दिखे, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग लड़की और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर यार। मतलब फाइनली उसका सपना पूरा हुआ है, ऑफकोर्स वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बीसीएल में बहुत मजा आ रहा है यार, क्योंकि एक अलग बॉल गेम है, एक बॉल भी अलग है, 30 ग्राम की बॉल है वरना 150 ग्राम की बॉल होती है क्रिकेट की। लड़कियों के साथ खेल रहे हैं तो कम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा है और टेलीकास्ट हो रहा है, 150 एक्टर खेल रहे हैं और मैं पुणे का कैप्टन हूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। बट आई थिंक बहुत सही और बहुत अच्छा शो होने वाला है, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे, कैमरामैन वर डूइंग देयर जॉब और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे और करी हैं जिसको देख के लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मैं कौन सी टीम, मैं पुणे का कैप्टन हूँ यार, तो मैं अपनी टीम को ही सपोर्ट करूँगा ना यार। अरे 110% हम फाइनल में तो 110% पहुँचेंगे। और देखिए, हार और जीत एक खेल का ऐसा हिस्सा है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ ये है कि अगर हम हार भी जाएँ तो लोगों का दिल जरूर जीत के जाएंगे। अपनी व्यूज को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, आपने जैसे अभी तक मुझे चाहा है, प्रोत्साहन दिया है, वैसे ही देते रहिए। और आने वाले एक या दो महीने के अंदर मेरा कोई नया शो आएगा, कौन सा होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जैसे मैं खुद डिसाइड कर लूँगा। लेकिन जस्ट कीप लविंग मी द सेम वे एंड या एंजॉय द बीसीएल। वी गाइस प्लेड, हम लोगों ने बहुत मस्ती की। अब आप लोग जब देखेंगे आप लोग मस्ती कीजिए। देखिए, एकता कपूर हैज़ बीन द मदर ऑफ टेलीविजन, उनको ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सही में एक माँ है इस टेलीविज़न इंडस्ट्री की। उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को चांस दिया है, बहुत सारे शोज़ ऐसे बनाए हैं जो लेजेंडरी बन गए। तो शी इज़ अ रॉक स्टार, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स, शी नोज़ हाउ शी वांट्स, एंड अगर उनका नाम जुड़ जाता तो शो वैसे ही हिट हो जाता। तो आई थिंक आधा आधा हिट तो शो वैसे ही हो चुका है क्योंकि बीसीएल में उनके साथ उनका नाम जुड़ चुका है। थैंक यू। डेफिनेटली मेरे रेसिडेंस से बहुत नियर बाय है और इट्स क्वाइट अ हैपनिंग प्लेस। और ऐसी जगह एक ज़रूरत थी अंधेरी में, ऐसे अंधेरी, क्योंकि इट्स अंधेरी इज़ वन ऑफ द मेजर नाइट स्पॉट एंड आई फील दे हैव टेकन अ राइट स्टेप बाय ब्रिंगिंग अप ओवर। बहुत सारा यूथ वगैरह सब बहुत अट्रैक्ट होगा क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस यहाँ पे है और कॉलेजेस भी आसपास है, मॉल्स आसपास है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी राइट स्टेप टू ब्रिंग अप सच अ गुड प्लेस। And I wish all them completely all the best for opening up such a place, and I definitely love the place. Sir,
बीसीएल खेलने में बहुत मज़ा आया और डेफिनेटली जो हमारी ऑडियंस है उन्हें और भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है बॉक्स क्रिकेट लीग, और जिसमें लड़कियां खेलेगी। तो जिन लड़कियों को आपने एक बहू के रूप में देखा है, सास के रूप में देखा है, अब उनके हाथ में होगा बैट और वो करेगी बॉलिंग और विकेट लेगी लड़कों की। डेफिनेटली ये जो मंच दिया गया है 150 एक्टर यानी 150 एक्टर को एक साथ में लाया गया है, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा रियलिटी शो आज तक हमारे इंडियन टेलीविजन में हुआ नहीं है, और ये काफ़ी नया स्टेप है, तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल रहेगा और इंडियन ऑडियंस को काफ़ी नई चीज़ें मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है बल्कि एंटरटेनमेंट है, मज़ा है, फाइट है और लड़कियाँ हैं। दरअसल मैं जब भी नया साल मैं बहुत शांत तरीके से मनाता हूँ, या तो अपने फार्म हाउस पे चला जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं ड्रिंक नहीं करता, बूज नहीं करता, ना ही स्मोक करता हूँ, तो इसलिए क्वाइट ही पीसफुल बनाता हूँ। और मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि हर साल के पहले दिन मैं काम करूँ, आज तक तो ऐसे ही रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अब भगवान से यही दुआ करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि मेरी जो ऑडियंस है मेरे साथ जुड़ी रहे, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस मंच तक पहुँचा हूँ, और आपको एंटरटेनमेंट देने का काम मेरा है, मैं हमेशा देते रहूँगा, हमेशा लॉयल रहूँगा आपके साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मेरे सभी दर्शकों को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस नए साल में आपके ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ आए, काफ़ी पैसा आए और काफ़ी सेहतमंद रहे आप सब। मैंने अपने बार लॉन्च किया है इस मौके पर। वेल, मेरे बहुत सारे टेलीविजन फ्रेंड्स हैं, जैसे कि शालीन मल्होत्रा, विशाल सिंह, मलार पांड्या, मृणाल अभी जस्ट आया है, सो बहुत सारे हैं, लाइक रियली नाम मैं याद नहीं है, बट यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वेल, शेट्टीज़ के तो खून में ही रेस्टोरेंट होता है, मेरे डायरेक्ट रेस्टोरेंट बिजनेस से बैकग्राउंड से है, और मुझे हमेशा से करना था, तो मैं काफ़ी देख रही थी कब करूँगी, एंड फाइनली एक अच्छी जगह मिल गई तो मैंने कर दिया लॉन्च। इस बार में खासियत ये है कि हम लोग सिर्फ मल्टी क्यूजीन सर्व कर रहे हैं, सिर्फ स्टार्टर सर्व कर रहे हैं, एंड ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो फूड लवर हैं और जो म्यूजिक लवर हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है। थैंक यू। अरे मैं सोम्या, मेरी दोस्त है, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, और बहुत सही जगह पे मेरे घर के पास है, सो यू विल सी मी वेरी ऑफन हियर। एंड अंधेरी एरिया में अच्छे बार बहुत सारे खुल चुके हैं, इस वन मोर थिंग, सो सब जो लोकल लाइट उनके लिए बहुत अच्छा है, एंड हम जैसे एक्टर जब शूट करके आते हैं थक के, सो वी वांट सम प्लेस नियर योर हाउस वेयर यू कैन गो एंड चिल। नया साल मैं एवरी ईयर की तरह परफॉर्म कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ मैं कल तक पता चल जाएगा, मे बी जयपुर और अहमदाबाद, and then obviously 2nd Jan we have to do Big Boss finale, so I'll be there. Can't say, बहुत difficult है, बहुत tough competition है। Thank you. Rolling, action. Look center, center. Wait. Sir, सामने दिखे, सामने। अभी BCL का नया आया, आई के फटके सबसे हटके है कि नहीं।
कंप्यूटर का भी काम करता है। कड़क साहब है, कड़क किसका नाम क्या? जिसने बाल लॉन्च किया, बाल लॉन्च किया उसका नाम क्या? सर को मालूम है, मत खेलना यार। सौम्या मेरी दोस्त है और उसको विश करने आया हूँ, यू नो लाइक अल्लाह ब्लेस हर, उसकी जगह चले, सुपर हिट हो, एक नंबर हो जाए, यू नो यही बस दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए। यार सच बताओ मैं बिग बॉस देख नहीं रहा हूँ भाई, और मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मेरी लव डे की फिल्म की शूटिंग चल रही है, मेरा BCL आने वाला है सोनी पे, तो अभी मैं BCL मेरे को नहीं मालूम बिग बॉस क्या है। एकता कपूर स्वीट हार्ट है, मतलब मैं उसको बोलूँगा कि एकता यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बींग एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, एंड बस यही कि सोनी TV और एकता कपूर अब सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो देखिए हिंदुस्तान को और इंटरटेनमेंट देना है और BCL में इंशाल्लाह इंटरटेनमेंट ओनली इंटरटेनमेंट एजाज खान की तरफ से मिलेगा आपको। बाकी थोड़ी चीटिंग भी करूँगा, थोड़ा मस्ती भी करूँगा, थोड़ा परेशान भी करूँगा, बट इंटरटेन ज़रूर करूँगा। नए साल में अभी पैसा कमाने का टाइम है, तो इवेंट करेंगे, नोट वोट छापेंगे और क्या है। बाकी सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाला अगला साल आपका एक नंबर जाए, यही एक नंबर मानस की दुआ है आप लोगों के लिए। अभी पुराना डायलॉग गया, अभी नया आ गया, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वो गया, अभी आ गया भाई के फटके सबसे हटके BCL। थैंक यू। एक्चुअली शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत दिनों से बेचारी ढूंढ रही थी प्लेसेस अलग अलग जगह पर कि कौन सी जगह अच्छी है कौन सी जगह अच्छी है, एंड सडनली शी मैसेज मी कि अच्छा फाइनली वी आर ओपनिंग वन हाइमस, एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर। लास्ट वीक इट वॉज सपोज टू हैपन, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। एंड अंदर से देखा मैंने बहुत, हाँ चलिए, हाँ नहीं सी एक्चुअली मुंबई में एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रीज़न कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक इन्जॉय कर सकते हैं, जो मैंने दूसरे सिटीज़ में देखा है वो हार्डली 12-12, बट जो मुंबई में है वो हाईएस्ट 1:30-2 बजे तक, सो विच इज़ द वेरी गुड थिंग आई मीन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यहाँ का पूरा जो क्राउड है वो नाइट क्राउड है। यंगस्टर्स तो नहीं, मुझे लगता है कि शायद जिस जिसका मन करे आने का उसको आना चाहिए। वो मीन्स इट डजंट मैटर कि
किसी की एज इतनी है तो उसको पार्टी करनी चाहिए या कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि शायद जिसका भी मन करे रेस्टोरेंट बार में आने का उसे ज़रूर आना चाहिए। ऑफकोर्स ये तो मुझे तो लगता है कि शायद मेरी एवरी सैटरडे संडे तो मुझे लगता है यहीं आना होगा मुझे। थैंक यू सो मच। लुक योर राइट, वन मोर राइट, राइट प्रभात, प्रभात it's been fantastic, I think thanks to Soumya for bringing such a wonderful place here. I think it was very needed in suburbs and I wish all the best to Soumya and the team. So what do you look on when you visit a restaurant? What is the quality you are looking for? I think comfort and the location of the place, the kind of music they play and the kind of crowd they visit the place. So these are the four. What is going in the professional life? Are you producing anything? Right now I have a show on Star Plus called Veera, one on Channel V called Sada Hak, and there is another one coming on Channel V called Million Dollar Girl, and a couple of more. So are you satisfied with the kind of success you are getting with the show? Yeah, the shows are doing well, so that is quite satisfying. Thank you, thank you. Yeah, what am I? 2 minutes, I confirm करके बताता हूँ। मैं रात में आपके घर आ जाऊँगा, होटल लेकर। मैं भी राइट साइड। रात के रात आपके घर। मैं भी राइट साइड। मैं भी फोन करके आऊँगा। बेटा, बेट। मैं लेफ्ट। सर, मैं भी मैम। सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूँगा पेमेंट। मैं भी राइट। अरे तू भाई ना, तू क्या कर रहा है कैमरा लेके बीच में यार? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल्सो स्पेशली क्योंकि मैं बहुत समय बाद इंडिया लौटी हूँ। जैसे कि मेरे सारे फ्रेंड्स और फैंस जानते हैं कि मैं यहाँ इस देश में नहीं रहती हूँ, लेकिन ऐसे लॉन्च में आकर लगता है आई एम बैक होम, क्योंकि ये पार्टी की आदत तो है ही हमें। एंड उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी दोस्तों से मिलूँगी। नहीं, अच्छी बात है, बिकॉज ऑनेस्टली फिर जुहू बांद्रा उस तरफ जाना पड़ता है, टाउन साइड जाना पड़ता है एंजॉय करने। दिस इज़ नाइस, यहाँ मोस्टली हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार और यहीं पर हम मोस्टली, जैसे हम एक अड्डा बना लेते हैं तो हमारी इंडस्ट्री का यहाँ पर एक हॉन्ट हो जाएगा। द क्राउड, क्राउड यहाँ का बहुत ज़्यादा यूथफुल है, होल ऑफ लोकरवाला अंधेरी, वी ऑल नो इट। सो आई थिंक द यूएसपी ऑफ दिस प्लेस इज गोइंग टू बी द क्राउड। बाकी आप मुझे अंदर जाने दें, एक्सपीरियंस करने दें, फिर मैं आपको बताऊंगी। जी, नए साल में मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, तो मेरी यही इच्छा है कि नए साल में मैं दोबारा इस इंडस्ट्री में आऊं और बहुत ज़्यादा फिल्में करूं। तो मेरी यही होप है कि आई एम बैक इन द बिजनेस इन माय न्यू ईयर। मैं अभी नहीं बता सकती, अलाउड नहीं है। आप मेरा नाम जानते हैं? मैं पहले निकी अनेजा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन मैं अब निकी वालिया के नाम से जाती हूँ, बिकॉज आई एम मैरिड। थैंक यू। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट 2 फिल्में हैं और दोनों के नाम इस वक्त मुझे रिवील करना मना है, बट आई प्रॉमिस यू अब बहुत जल्द 2015 में मुझे बड़े पर्दे पर ज़रूर देखेंगे। आप लोग मुझे छोटे पर्दे पर डॉक्टर सिमरन की तरह जानते हैं, जो अस्तित्व एक प्रेम कहानी में आया करती थी। सो आई एम श्योर अब धीरे धीरे अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, बट आई एम बैक। येस, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत वार्मथ दी है, इतने सालों बाद आने के बाद भी मैं बस फ़ोन उठाती हूँ एंड पीपल आर वेलकमिंग मी, सो इट्स अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। इस वक्त रिसेंटली मैं जो देख रही हूँ आसपास, डोंट फॉरगेट योर ओल्ड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट प्रॉमिसेज यू मेड। आप प्लीज़ मत भूलेगा कि आपने जब शुरुआत की थी अपनी लाइफ की, अपने करियर की, बेशक आप किसी भी करियर में क्यों ना हो,
अपने पुराने दोस्तों को याद रखिए और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू. सी ये जो एरिया है ये हैपनिंग जॉइंट्स के लिए मशहूर है और हैपनिंग जॉइंट्स वाले इतने हैपनिंग एरिया में उससे भी अच्छा चार चांद लग रहे हैं, उससे भी अच्छा एक जॉइंट खुल रहा है, तो ऑफकोर्स मेरा आना तो बनता है. सी ये तो मुझे अभी अंदर जाके ही पता चलेगा, बट जिस हिसाब से इनविटेशन था इट लुक्स लाइक कि कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा. फिलहाल तो बॉडी प्रोजेक्ट अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ, सिक्स पैक बनाने में बिजी हूँ, ऑलमोस्ट देयर, बाकी देखते हैं जो हाथ में आ जाए. मैं नया साल भाई सीधे सीधे एक हिदायत दूंगा कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पार्टी करो लेकिन सुरक्षा अपनी भी और दूसरों की वो जरूरी है. सी लास्ट ईयर भी मेरे लिए बहुत सारी नई चीज़ें आई थी, लाइफ ओके का मेरा शो शुरू हुआ था कैसा इश्क है बहुत ही जोर शोर के साथ, तो लेट्स सी नया साल आने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, ज़रूर नया साल आएगा तो कुछ नया लेकर ही आएगा. हाय मैं हूँ अभिषेक अवस्थी और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. अभी तो आया हूँ, अभी कैसा लगेगा, अंदर जाके पता चलेगा कैसा लगना चाहिए कैसा नहीं लगना चाहिए. टोटली फ्रैंकली सिर्फ एटीट्यूड का फर्क है कि आप कितना उसको एंजॉय करते हो कितना नहीं करते हो, और मुझे लगता है कि मतलब एक ऐसे अगर चिल आउट जोन की आप बात करें तो हर सिटी को उसकी ज़रूरत होती है. अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ तो मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि यार चलो ठीक है, अगर किसी होटल में रह रहा हूँ तो वहाँ पे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कि मैं जाऊँ म्यूज़िक सुनूँ, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकूँ. और बम्बई में डेफिनेटली ऐसी जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फ़र्क ये पड़ता है कि एम्बियंस कैसा है वहाँ पर, म्यूज़िक कैसा है, खाना कैसा है, स्टार्टर्स वगैरह सब कुछ. वो हर एक चीज़ के साथ होता है, कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर रहती नहीं है, तो आज की डेट में मुंबई का जो कल्चर है वो थोड़ा बैकसीट ले चुका है और हमें सबको पता है रीज़न क्या है उसका. लेकिन अल्टीमेटली देखिए होता क्या है ना कि ये सब बातें जो है वो शहरियों पे डिपेंड करती हैं कि उनको अगर चाहिए कि जो है रेस्टोबार जो है वो देर तक खुले रहे जहाँ पर इंसान जाए और थोड़ी देर बैठ के अपने यारों दोस्तों के साथ इन्जॉय कर सके बातें कर सके, तो फिर उसमें वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा नहीं कर सकते. तो थोड़े समय के बाद मुझे लगता है कि ये शहर जो है वापस अपने उन्हीं पुराने क्या कहूँ हाइट्स पे वापस आ जाएगा. अब भी तो एक ख़त्म करके निकला हूँ यार, इतनी जल्दी काम नहीं हो पाएगा मुझसे, मतलब एक ख़त्म. प्लानिंग टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट, 2 महीने जो है अभी क्रिकेट ही खेलने वाला हूँ और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है.
फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी जगह, एकदम कूल। मुझे ऐसा लगता है इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी ऐसी जगह की, हैमस रेस्टो एंड बार, म्यूजिक बहुत अच्छा है, डीजे अच्छा गाना प्ले कर रहा है, मुझे लगता है मैं यहाँ आता रहूँगा। सर आपको अंदर जाके कितना मजा आया सर? डिफरेंट, बेसिकली म्यूजिक और एनवायरनमेंट ही सबसे मेन चीज़ होती है, बाकी तो आपको पीने के लिए और खाने के लिए हर जगह चीज़ें मिल जाती है, तो यहाँ पे म्यूजिक बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सर आपको क्या लगता है कितना परसेंट दे पाएगा ये बार अंधेरी से इलाके में? मुझे लगता है अंधेरी के इस इलाके में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे बार की, तो चलना चाहिए, मेरी गुड विशेज है इसके साथ। बांद्रा में भी है और जुहू में भी है, तो आपको क्या लगा डिफरेंट क्या सर यहाँ पे? साउथ इंडियन बार है सर ये। हाँ हाँ, इसमें क्या आपको डिफरेंट मिलेगा सर? डिफरेंट बेसिकली जब आप बोल रहे हैं साउथ इंडियन बार है, तो साउथ इंडियन और बार ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, तो कुछ नई चीज़ है, एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा चलना चाहिए। थैंक यू। लुक योर राइट करना है यहाँ पे।
मैम लुक किया राकेश सर कितना आगे लगे निकल सकते हो बंदे हां भाई क्या कर रहा है आगे एक्सक्यूज मी So I would love to come with my friends here, with my family. I loved it like anything. What do you think on the restaurant culture of Mumbai? You know, every city has a restaurant. What is the difference between culture of Mumbai and other cities? See, Mumbai fashion is totally different to all the other cities. छोटे-छोटे शहरों में उतना late तक party करना is not allowed. Family allowed नहीं करती है और इतने clubs भी खुले नहीं रहते. But Bombay is totally different. यहाँ पे बॉम्बे इज लाइक यू नो वो लोग पार्टी लोग यहाँ पे रात को घूमते हैं जितना शायद वहाँ पे दिन में ट्रैफिक होता होगा उतना यहाँ पे रात को होता है तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. सी आई पर्सनली बिलीव वेन एवर आई एम विद माई फ्रेंड्स माई फैमिली इफ एवरीबडी इज एंजॉइंग हैप्पी दैट इज द क्वालिटी आई एम लुकिंग फॉर वेर एवर आई गो. It really feels good to be a part of such event. Soumya ne itna acha venture khola hai, so definitely I'm very happy. Definitely I'm very happy and wish her all the luck. Ki mujhe bahut sara success mile. And it's close to my house also, so definitely Andheri ke jagah pe itna acha ek bar and restaurant khola usne. So definitely I'm looking forward to a nice success. When you go to a restaurant, what kind of quality do you look in the restaurant? Kya quality is it? क्या होना चाहिए रेस्टोरेंट में? स्पेशियस होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, लाइक द डीजे शुड बी रियली नाइस. जब हम एक बार इन रेस्टोरेंट में जाते हैं सो वी लुक फॉरवर्ड टू अ नाइस म्यूजिक, सो डेफिनेटली म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए. फूड शुड बी रियली नाइस एंड ऑफ कोर्स द वेटर कर्सी शुड बी रियली गुड, बिकॉज अगर वो सबसे अच्छा होता है कि जैसे क्लाइंट्स को ट्रीट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो अच्छा होना चाहिए. रेस्टोरेंट का हर सिटी में मुंबई के अलावा भी, लेकिन मुंबई में क्या डिफरेंस है रेस्टोरेंट कल्चर में? किसमें? मुंबई और दूसरी सिटी में डिफरेंस क्या है रेस्टोरेंट कल्चर में? दूसरे मुंबई इज़ वेरी ओपन जो मुझे लगता है, एंड दूसरे सिटीज़ में इतना ओपन नहीं होता है चीज़ें, एंड लेट नाइट तक खुला नहीं रहता है, तो मुंबई में आई थिंक मुंबई इज़ वेरी ओपन माइंडेड एंड ब्रॉड माइंडेड.
लगता है आपको प्रोफेशनल लाइफ से टाइम मिलेगा आपको यहां पे विजिट करने का, एंजॉय करने का? डेफिनेटली आफ्टर शूट वी कैन डेफिनेटली सारे दोस्त लोग यहां पे वी कैन जस्ट कैच अप, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दोस्त हैं यहां पे, सो डेफिनेटली वी कैन कैच अप आफ्टर शूट। थैंक यू मैम। तेरे को गलत बैठी दे दिया। मत पीछे रुक जाना यार। Thank you.